हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तस्कीर। इस वीडियो में हम देखेंगे PTIMN यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेजेस इन नेशनल असेंबली। मैं बहुत ज़्यादा हंगामा मच रखा है, मतलब पार्लियामेंट में इतनी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी लड़ाई हो रही है, थोड़ा मुझे फ़नी भी लगता है वो। तो हम देखेंगे PTIMN जो है वो लड़ रहे हैं, मतलब करेंटली जो गवर्नमेंट है उसके अपोजिशन और गवर्नमेंट में लड़ाई हो रही है। एंड यहाँ तक कि वहाँ पर एक मलाइका बुखारी कर एक मेंबर हैं का बहुत ज़्यादा, मतलब कोई बुक बुक फेंक रहे हैं लोग, तो वो उनकी आँख में जाकर लगी है। तो चलिए अभी देखते हैं इस WWE की फाइट को, केस में क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओ भाई, तगड़ी तगड़ी गन। ये अपोजिशन वाले हैं शायद करके कुछ। बजट की जो बुक बुक है वो उठाकर मार रहे हैं। अच्छा, नारे भी लग रहे हैं। ये बहुत बढ़िया। बेड़ा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पूरी ताकत लगा के मार रहे हैं भाई। अंकल जी को चक्कर आ रहा है लेकिन अच्छा, उसके हाथ में तस्बीह भी है क्या? ये बंदा सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर पा रही, सिक्योरिटी के खुद बुक्स पढ़ रही हैं। इधर से बुक्स। लेडीज तो साइड में हो गई, उनके बस की नहीं है, लेकिन जो बुखारी मैडम है उनके हाथ में लगी है। टेबल पर चढ़ के अब गिर गया। ये कुछ ज्यादा ही मतलब फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। कौन से राजा की? बिल्लों की। कुत्तों पिल्लों की। अच्छा, कौन है देखते हैं। वो किसे जूता मार दिया? नहीं, किताब मार रहा है। ये किसको मार रहा है? चोर को वापस लाओ। एक बंदा इसमें ये जो है पता नहीं कौन है, लेकिन बहुत ज्यादा गालियां दे रहा है। अबे भैया, बहुत गंदी गालियां दे रहे हैं। इतनी खतरनाक लड़ाइयां होती हैं। पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी पार्टी को मुबारक हो, आपका ये नजरिया कि आपका लीडर बाहर बैठा हुआ है
कौम की तजहीद करके कौम के पैसों के ऊपर लूट के आंख में लगी हुई है, बहुत ही खतरनाक वाली। आपको तो चाहिए कि पहली फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आए और मुकदमों की जो है वो आप उसको फेस करें। आप यहाँ पे खवातीन के ऊपर हमले करवाते हैं क्योंकि आपसे बजट बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये बेवाओं का बजट था, यतीमों का बजट था, नादारों का बजट था, किसानों का बजट था, क्योंकि हर तबके के हर जो तबके के लोग हैं पाकिस्तान में वो इस बजट से खुश हैं। तो आपको बजट में कुछ मिला नहीं है, आपको पता था कि सारे इशारे दुरुस्त हैं, हमारा जो जो मुल्क है वो अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप से चूंकि अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, ये भी आपने वजह सोचा हो सकती कि मैं पार्लियामेंट की तोहीन करके और खवातीन के ऊपर हमले करवा के और गाली गलौज करवा के और उनको जो है सियासत से रोक दूं। मैं ये हम इसका मुकाबला करेंगे। इसको स्पीकर साहब को भी नोटिस लेना चाहिए, जो पीएमएलएन की तरफ से जो बदतमीजी की गई, जो खवातीन के ऊपर हमले किए गए उसकी फुटेज शामिल है, उनको तो एक एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, उनको तो पार्लियामेंट में आने का हक ही नहीं है। हल्के वाले भी उनसे पूछे कि आप लोग जिनको वोट देते हैं आप खवातीन के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए उनको यहाँ पे भेजते हैं, मुझे इंतहाई तकलीफ। जैसा कि हमने देखा इसमें बहुत ही खतरनाक वाली मतलब किताबें फेंकी जा रही थी इधर से उधर, बुक्स जो थी बजट बुक्स वो फेंक के अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, लेकिन जो अपोजिशन वाले थे आई थिंक बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए थे, बहुत ही ज़्यादा वाले चिढ़े हुए थे, इतने ज़्यादा कि एक बंदा तो उसमें से इतनी ज़्यादा गालियाँ, उसको कोई परवाह नहीं थी, औरतें हैं लेडीज़ हैं वहाँ पर, या फिर आप कैमरा पर आ रहे हो यहाँ पर कोई वीडियो बना रहा है, सब लोग को पता है कि वहाँ पर वीडियो बन रही है, लोग वीडियो बना रहे हैं, सिक्योरिटी की तो बात ही क्या करो, कोई उसमें हाथ डालने को राजी नहीं, उनकी खुद किताबें मतलब टोपियां संभालें वो अपनी या फिर लोगों को संभालें, उनकी टोपियां गिरी जा रही थी, किताबें जब उनके सर पे पड़ रही थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी आप कह सकते हैं कि फ़नी है, लोग चिढ़ गए हैं कुछ इस तरह से, जैसा कि मैडम बोल रही थी बाद में, एंड इनकी आँख को देख कर वाकई में दुख होता है कि इनकी आँख में बहुत ज़्यादा इतनी लगी है, आई होप कि वो ठीक होंगी, इतनी कि कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा ना हो कि किसी की आंख वाँख निकाल दें ये लोग, और इतनी ज़्यादा तगड़ी फाइट मतलब WWE को भी फेल कर दिया भाई इन्होंने, तो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक फाइट्स होती हैं, तो यार देख के मतलब फ़नी तो है, देखने में आप इन्जॉय करोगे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इधर से उधर मारा पीटी हो रही है, लेकिन मेन असल बात यह है कि ये गलत है, और गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ वहाँ पर लेडीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और आपको ऐसा करने की लॉज भी इजाज़त नहीं देते हैं, आप वहाँ पर जो स्पीकर होते हैं उनकी भी नहीं सुन रहा है कोई, तो मतलब ये तो गुंडागर्दी है, दादागिरी है, जाहिर सी बात है, तो क्या आपका कहना है इसके बारे में, ये सब कुछ होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो भाई गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें भाई लेडीज़ वेडीज़ को भी हर्ट हुआ है, एंड जिंदा आप गालियां दे रहे हो बहुत ज़्यादा वाली, वो भी इतनी गंदी गंदी गालियां सबके सामने दे रहे हो पार्टी को, अगली पार्टी को, लेकिन जवाब उधर से भी मिल रहा था, किताबें उधर से भी फेंकी जा रही थी, बुक्स जो भी है मारी जा रही थी लगातार, रुक कोई नहीं रहा था, लेकिन जो अग्रेशन देखने को मिला, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिला है, वो इनकी तरफ से मिला है, जो गालियाँ वालियाँ दे रहे थे इनकी पार्टी की तरफ से, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या हालात हैं अब एंड क्या आगे हो रहा है। एंड मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ पर दो दिन से यही चल रहा है, मतलब दो दिन हो गए, काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, शॉकिंग तो नहीं है, ऐसा होता है अक्सर हंगामे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हंगामे हैं मतलब इंडिया में भी होते हैं, ये न्यूज़ अगर बात करो तो बहुत ज़्यादा इंडिया में चल रही है, बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं थंबनेल्स लगे हुए एंड सब कुछ, मैं जब ये वीडियो सर्च कर रहा था तो बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा ये चीज़ की चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट में हंगामा हो गया में, तो ये तो चर्चा होगी भाई, दुनिया बात करेगी अगर ऐसे काम करोगे तो। एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करके शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।